गाइस वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। रोहित शेट्टी के शो से कटा इस कंटेस्टेंट का पता फिनाले के पास आकर रातों रात हुआ बाहर। हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 12 को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल शो से एक और कंटेस्टेंट का पत्ता कट चुका है, इस बात का दावा शो के एक फैन पेज कर रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी 12 का वो कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि राजीव आदित्य है। जी हां, फैन पेज के मुताबिक राजीव आदित्य ने शो में रहते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो 8वीं पोजीशन पर आकर शो से बाहर हो चुके हैं। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। सारा खान ने शांतनु राजे संग रिलेशनशिप पर लगाई मोहर। सारा खान को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि वो पायलट शांतनु राजे को डेट कर रही हैं और जल्द ही अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी बनाने वाली हैं। खास बात तो ये है कि अब सारा ने अपने और शांतनु राजे के रिश्ते पर मोहर लगा दी है। सारा खान ने ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया है कि वो और शांतनु राजे बीते कई दिनों से रिलेशनशिप में है। सारा ने इस बारे में कहा, हाँ, मैं और शांतनु रिलेशनशिप में हैं। हम बीते कई दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम दोनों ने आपसी सहमति से ये तय किया था कि हम इसे छिपा कर रखेंगे, क्योंकि शांतनु शोबिज से नाता नहीं रखते, लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ पब्लिक में आने के लिए सहज हो चुके हैं, तो हमने सबके सामने इस बात का खुलासा करने का फैसला कर लिया है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। खतरों का सामना करने से पहले छूटे शिवांगी जोशी के पसीने, लगाया इस शख्स को कॉल। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और बालिका वधु में काम कर चुकी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के भी हाल फिलहाल खराब हैं। खतरों के खिलाड़ी में स्टंट परफॉर्म करने में शिवांगी जोशी के पसीने छूट जाते हैं। यही वजह है कि शिवांगी स्टंट करने से पहले अपने घर पर फोन मिला देती हैं। शिवांगी ने हर स्टंट से पहले अपनी माँ को वीडियो कॉल करती हैं। हाल ही में शिवांगी जोशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इस वीडियो में शिवांगी अपनी माँ से बात करती नजर आई थी। माँ से बात करते समय शिवांगी काफी इमोशनल हो गई। लगता है कि केप टाउन में शिवांगी अपनी माँ को बहुत मिस करती हैं। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। अंकिता लोखंडे और विकी जैन के घर गूंजे की किलकारी, शादी के 6 महीने बाद मिली खुशखबरी। अंकिता लोखंडे को लेकर एक और खुशखबरी सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जल्द ही मां बनने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता और विकी के परिवार में जल्द ही नन्हे मेहमान की एंट्री होगी। हालांकि मामले पर अभी तक एक्ट्रेस या उनकी टीम की ओर से आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। असीम रियाज के बर्थडे पर हिमांशी खुराना ने दिया बड़ा सरप्राइज। बिग बॉस फेम असीम रियाज ने 13 जुलाई को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान फैंस ने उन्हें ढेरों बधाइयां दी। गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना ने असीम का ये जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया। अब असीम के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिमांशी खुराना और असीम रियाज डिनर डेट को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि असीम रियाज और हिमांशी फिलहाल इस्तांबुल में हैं और यहीं पर दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि असीम और हिमांशी क्रूज पर डिनर डेट एंजॉय कर रहे हैं। टीवी कतर का छठी टॉप न्यूज। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का रोमांटिक सॉन्ग बारिश हुआ रिलीज। तेजस्वी और करण का रोमांटिक सॉन्ग बारिश रिलीज हो चुका है, जिसे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दोनों की क्यूट और रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस को हमेशा की तरह खूब पसंद आ रही है और ये गाना आते ही सुपरहिट हो चुका है। टीवी का तड़का, सातवीं आखिरी टॉप न्यूज। समुद्र किनारे बैकलेस हुई मौनी रॉय। एक्ट्रेस मौनी रॉय की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें मौनी व्हाइट बेडशीट में नजर आ रही हैं। खुले बाल में मौनी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनका स्टाइल काफी पसंद किया जा रहा है। कुछ ही घंटों पहले शेयर की गई ये तस्वीर अब खूब लाइक्स पा रही है और धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।